जो उनसे महात्मा गांधी की हत्या करके और हत्या करने वाले को मंदिर बनवाते हो, चित्रा जी पूजा करते बहुत हो, शांति से सुन रहा हूं। ये नहीं है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी बोला जाएगा। आप मैं बात नहीं करता, सुन लो, मैं चित्रा जी आपसे बात करूंगा, ये बेउद्दे लोगों से मैं बात ही नहीं करता, मैं वन टू वन आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करता। कौन है बीच में आ रहा है? मैं आपको छोड़ दूंगा, हटाऊंगा बीच में। चित्रा जी क्या होता है? चूंकि गाली देंगे सामने और मैं चुप नहीं रहूंगा। चित्रा जी ये उचित नहीं है, इस प्रकार से हमें फ्रेम में रख करके गाली गलौज किया जाएगा। ये किस प्रकार का अहंकार है चित्रा जी? किस प्रकार का अहंकार है ये? आज तक किस प्रकार की ये किस प्रकार की बातों को प्रमोट किया जा रहा है? ये कौन हटाओ हटाओ चिल्ला रहा है चित्रा जी? ये उचित नहीं है। डॉक्टर संबित पात्रा और राकेश टिकैत दोनों लोगों के लिए 30 सर्च आपस में इस तरह से नहीं उलझेंगे। नहीं डॉक्टर संबित पात्रा एक सेकंड, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसानों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो प्लीज एक सेकंड सर, एक सेकंड, अहंकार किसी के भी भीतर नहीं होना चाहिए। प्लीज सर, अहंकार किसी के भी भीतर नहीं होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो किसान नेता हो। राकेश टिकैत साहब, राकेश टिकैत साहब एक सेकंड, ये तरीका ठीक है? ये तरीका ठीक है? आपने कहा कि सरकार बात नहीं कर रही है तो हम लोगों ने कोशिश की संवादहीनता की स्थिति को खत्म कर देते हैं। राकेश टिकैत साहब आप लोग भी इतने महीनों से बैठे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं बोलना चाहते हैं आप सुन लीजिए, क्योंकि व्यक्ति को जिंदा जिंदा जवाब सुनना पड़ेगा। किस टिकट साहब और आप हर सवाल का जवाब सुनना पड़ेगा। ये डिबेट में आपने बुलाया है, आप डिबेट में बिल्कुल सुनना पड़ेगा, दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा। डिबेट आप बात करो ना करो, मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूँ, मैं चित्रा जी से बात कर रहा हूँ। चित्रा जी मैं सम्मान कह रहा हूँ, मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। चित्रा जी आपके चैनल ने हमें बुलाया है, आज तक कहेगी कि बीजेपी हट जाए, बीजेपी हट जाए। एक सेकंड प्लीज, एक चीज मैं दोनों लोगों के लिए स्पष्ट कर दूं, एक सेकंड सर प्लीज, पूरा देश आप दोनों लोगों को देख रहा है। प्लीज राकेश टिकैत जी और संबित पात्रा जी, चित्रा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आज तक को लगता है बीजेपी की आवश्यकता नहीं है, संबित पात्रा जी और राकेश टिकैत जी को तैयार हूं, बीजेपी जीतने को तैयार है, कोई बात नहीं चित्रा जी, मैं लड़ना नहीं चाहता। किसानों को लेकर जवाब आपको ही देना है, यकीनन मैं आपके पास आऊंगी डिबेट में। आपने खास मेहमान है तो आपसे सवाल पूछा ही जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत की अगर कुछ आरोप लगा है, ठीक है सर, क्योंकि उनकी ओर से मुझे कहा गया था हमारे डिबेट पार्टी नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थितियां गड़बड़ है ना। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि संवादहीनता की स्थिति है, आप बोल रहे हैं कि वहां से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो प्लीज मर्यादा का ध्यान रखिए। और संबित पात्रा, ये डिबेट का बायकॉट करने की धमकी देना सर, आप इतने सीनियर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपको शोभा नहीं देता है सर। क्यों नहीं? देश में आपके डिबेट से निकल जाओ तो कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। आपके चैनल पे हम मेन मुद्दे पर रहते हैं, मेन मुद्दे पर रहते हैं, मेन मुद्दे पर बोलने को बीजेपी को सरकार के बीच पार्टी के प्रवक्ता को 10 सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा सर। प्लीज गुजारिश है दोनों ही लोगों से, दोनों ही लोगों से मेरी गुजारिश है। संबित पात्रा जी, चित्रा जी, मैं राकेश टिकैत जी से बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे दो तीन बिंदु रखूंगा। मैं शांति से बैठा हुआ था, आप राकेश टिकैत जी से वन टू वन बात कर रहे थे, क्यों हम आप बहस करो इससे? सुन लीजिए चित्रा जी, मैं बात कर सकता हूँ, हमारे से बात करो, आप भी क्या बका बीच में क्यों पंगा ले? चित्रा जी मैं बात कर, चित्रा जी मैं आपसे बात कर सकता हूँ, चित्रा जी मैं कैसे बोलूंगा? चित्रा जी मुद्दे पर कैसे बोलूंगा? किसी व्यक्ति का जिंदा जलाएं तो ठीक बोलूंगा चित्रा जी मैं? मुझे ठीक है, मुझे टिकैत जी से लड़ना नहीं है, मुझे आपसे कुछ आपत्ति करनी है। चित्रा जी मैं 10 सेकंड आज तक से बात कर सकता हूँ क्या? बोलिए, आपसे बात कर सकता हूँ चित्रा जी? चित्रा जी आपने हमें इस डिबेट पे बुलाया, मैं शांति से बैठा था, आप वन टू वन करना चाहती थी राकेश जी से, हमें कोई आपत्ति नहीं था। आपने हमें फ्रेम में दिखाया, जब फ्रेम में दिखाया तो राकेश टिकैत जी ने कहा कि ये तो गांधी के हत्यारी वाली पार्टी है, उन्होंने कहा कि ये पार्टी अहंकारी है और सरकार को शर्म करना चाहिए। मैंने उंगली उठाई और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि मैं भी इस पर 10 सेकंड बोलना चाहता हूं, तो इस पर टिकैत जी ने कहा मैं इसको नहीं सुनना चाहता, इस आदमी को हटाओ बीच से, ये बेहुदा आदमी है।
देखिए मैं बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूँ, हो सकता है हम छोटे शहरों के लोग हों, हो सकता है हम कोई सांसद नहीं है, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं चित्रा जी। आपके चैनल ने फोन करके आज हमें बुलाया था, हम बेहुदा हैं या क्या है इसमें कोई ना आप टिप्पणी कर सकती हैं ना ये महाशय टिप्पणी कर सकते हैं। ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप और बिडेन भी हमें बेहुदा नहीं बोल सकते, एक बात कान खोल के सुन लिया जाए। आपके चैनल पे आए हैं, आपके बुलावे पे आए हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि यहां पर मेरे पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री और हमें अनर्गल भाषा में गाली दिया जाए, हम सुन लेंगे। क्यों सुनेंगे? आपने इनवाइट किया है, हम क्यों नहीं वार्तालाप कर सकते हैं? हमें कहा गया कि हम महात्मा गांधी को मारने वाली पार्टी है। देखिए उस विषय पर मैं कहना चाहता हूं, यहां एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, एक महिला के साथ रेप हुआ, कोई पहली हत्या नहीं हुई है, 26 जनवरी में क्या हुआ ये पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। हम तो अकड़ के बात नहीं कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, हम तो बहुत सम्मानजनक तरीके से बात कर रहे हैं। और यहां पे जिस प्रकार की भाषा के साथ आप बताइए, भरी टेलीविजन में जिसे करोड़ों लोग देख रहे हैं, अगर हमें, मैं फिर भी एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, अगर मुझे बेहुदा न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, तो वहां तो लोगों को जिंदा जलाया ही जा रहा होगा। अगर कोई बेचारा गांव वाला कसार गांव का व्यक्ति आ जाता होगा और हाथ जोड़ के आदरणीय टिकैत जी से कहता होगा, टिकैत जी प्लीज जरा गाड़ी के रास्ता छोड़ दो, प्लीज जरा हमारी बच्चियां जरा स्कूल जाएंगी कॉलेज जाएंगी रास्ता छोड़ दो, तो टिकैत जी आज देश के इतने बड़े आदमी है तो क्या कर, वो हम जैसे लोगों को ही ऐसे बोल रहे हैं? हम तो टीवी में आते हैं, हमें लोग भी जानते हैं, पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता है, हमें अगर लताड़ देते हैं, मारने की बात करते हैं, तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे टिकैत साहब आप?